स्कूल्स में जितने भी बच्चे पढ़ते हैं उन तमाम बच्चों के लिए ये जरूरी जानकारी है। आप लोगों को बता दिया जाए कि 22 तारीख के देश भर के स्कूलों में जो है वो हॉफ डे होने वाला है। आप सभी लोग ये बात जानते हैं, यानी कि सेंटर ने ये बात अनाउंस कर दी है। पर उससे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि आज ही एक नोटिफिकेशन जो है वो गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट सिविल सेक्रेटरीट की तरफ से जारी की गई है, जिसमें साफ तौर पर ये बात कही है कि जितने भी बच्चे जो है वो जम्मू के स्कूल्स में पढ़ते हैं उन लोगों को भी जो है, आप देखें यहाँ पर सबसे पहले ये ऑर्डर आपको दिखाना चाहूंगी, इस ऑर्डर पर आप नजर घुमाएं, तमाम बच्चों को जो है वो ये बात बता दी गई है कि 22 जनवरी 2024 में आप लोगों को भी स्कूल में हॉफ डे जो है वो रहने वाला है। यानी कि अभी ऑर्डर जो है ये जम्मू कश्मीर के लिए आ गया है बाय ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कि अब जितने भी बच्चे जम्मू कश्मीर के स्कूल्स में पढ़ते हैं उन्हें भी 22 तारीख को जो है वो हॉफ डे होने वाला है। आज ही जो ऑर्डर है ये सामने आया है और मैं आपको बता दूं कि अब कल जो है वो 22 तारीख है और कल आप लोग जानते हैं कि अयोध्या में रामलला का जो है वो प्राण प्रतिष्ठा है। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए कुछ स्कूल्स में तो है कल के दिन जो है वो छुट्टी भी है, यानी कि अयोध्या की मैं बात करूं वहां पर जितने भी स्कूल कॉलेजेस हैं वहां पर पूरे दिन की छुट्टी रखी गई है, पर उसके अलावा जितने भी स्कूल्स हैं वहां पर हॉफ डे अनाउंस किया गया था। जिसके बाद अब जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन सिविल सेक्रेटरीट ने भी फिलहाल ये जो बात है वो कही है कि अब जितने भी बच्चे स्कूल्स में पढ़ते हैं उन्हें भी जो है वो छुट्टी होने वाली है, हॉफ डे जो है वो रहने वाला है। यानी कि हॉफ डे उन बच्चों के लिए होगा जो बच्चे जम्मू कश्मीर के स्कूल्स में पढ़ते हैं। तो अभी तक ये जानकारी जो है वो आपके साथ साझा कर रहे हैं। आप लोग जो हैं वो कौन कौन से इलाके से इस वीडियो को देख रहे हैं और ये जो हॉफ डे की बात कही गई है कि तमाम स्कूल्स में भी जो है वो हॉफ डे रहने वाला है जम्मू कश्मीर के, इसे आप किस तरह से देखते हैं, अपनी राय को रखिएगा कमेंट बॉक्स में।